आज हम दिखाएंगे लेवल किस तरह उठाते हैं। ये देखो, लेवल हाइट फ्लोर टू फ्लोर हाइट दिया हुआ है इस ड्राइंग में। यह आर्किटेक्ट ड्राइंग है, तो जैसा दिख रहा है मेरा, ये यहाँ फर्स्ट फ्लोर दिख रहा होगा आपको। फर्स्ट फ्लोर का ये देखो, यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर है, तो यहाँ से मेरा ये देखो ग्राउंड से, ये ग्राउंड दिख रहा है यहाँ पर, ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर जो हमारा जा रहा है उसकी हाइट देखो 3.9 है। ये देखो जूम करके दिखाता हूँ, 3.9 है। फिर इसके बाद देखो सेकंड फ्लोर का, ये सेकंड फ्लोर दिख रहा है यहाँ पर, सेकंड फ्लोर यहाँ हमारा सेकंड स्लैब है, तो यहाँ से सेकंड स्लैब तक 3.5 है। ये देखो 3.5 इसका हाइट है, और जूम करके दिखा रहा हूँ मैं, ये देखो। फिर इसके बाद थर्ड फ्लोर पे जाएंगे, ये देखो थर्ड फ्लोर पे गए, यहाँ पे दिख रहा है आपको थर्ड फ्लोर पे, ये देखो यहाँ पर, यहाँ से जाएंगे तो 3.25 हाइट है, 3.25। और फिर इसके बाद जो है अपना थर्ड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर पे जाएंगे, तो यहाँ पे जो है इसकी भी हाइट 3.25 है। यहाँ से मेरा 3.25 पूरा हाइट कंटिन्यू जा रहा है आगे। तो इस तरह किस तरह लेवल उठाते, टोपी बॉटम किस तरह डालते वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो अभी मेरा जो, मैं अभी थर्ड टू फोर्थ स्लैब पर जा रहे, तो इसलिए मेरा हाइट क्या है 3.25। तो इस तरह किस तरह लेवल उठाते वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो यहाँ पे आपको मार्किंग दिख रहा होगा, ये मार्किंग दिख रहा है, ये लेवल उठाया नीचे से, ये 1500 का नीचे से लेवल उठाया था, तो ये 1500, और तो ये देखो यहाँ पे 3250 का अपना दिख रहा है, ये 3200 3.25 ऐसा 3.25 ये मार्किंग दिख रहा है, यानी कि मेरा यहाँ से ऊपर तक का स्लैब जो है 3.25 का हाइट है। तो ये मेरा नीचे का फ्लोर है, यानी कि सेकंड फ्लोर से मैं, ये सेकंड फ्लोर का हाइट जो है ये 1500 का नीचे से, ये जो है नीचे से इसका हाइट है ना कॉलम से, यहाँ से नीचे से जो हाइट है यहाँ तक का आया, ये लेवल तक का 1500 लेवल लिया, 1500 लिया, फिर ऊपर जग का इसका जो है 1750 हाइट है। ये देखो दिखा देता हूँ मैं, वो लेवल पाइप से लिया गया लेवल यहाँ पे, ये देखो 1500 का लेवल है यहाँ पर, तो नीचे से जो है स्लैब से 1500 है, फिर ऊपर जाके ये देखो ये लेवल जो 1500 था, और ऊपर से जो है या ऊपर तक, यहाँ से लेवल जो है ऊपर तक का 1750, 1500 और प्लस 1750 यानी कि 3250, 3.25 हाइट है मेरा। ये देखो ऊपर का स्लैब का यहाँ तक 1700, यहाँ तक ये लेवल है, और नीचे से जो है यहाँ से कॉलम के नीचे से जो लिया वो यहाँ तक का ये लेवल था 1500। तो ये हो गया अपना 3.25। अब मैं ऊपर से दिखाता हूँ किस तरह लिया है, उसको ऊपर से दिखाता हूँ। ये अब हम आ गए ऊपर थर्ड फ्लोर पे, तो जैसा कि देखा 3250 इसका हाइट है, ये देखो यहाँ पर 3200 और ये 50 दिख रहा है, ये देखो 3200 और ऊपर 50, यानी कि 3250 अपना यहाँ से फ्लोर टू फ्लोर हाइट है। तो हमने यहाँ पे 1500 यानी कि 3200 में से, और ये 1500 के, ये स्लैब से 1500 लिया हाइट, तो लेवल के हिसाब से, तो यहाँ पर 1500 लिया है, ये देखो 1500 ये फ्लोर से लेवल उठाया है 1500 का लेवल। अब इसको लेवल पाइप से पूरा कॉलम पे घुमा के टोपी बॉटम लिया जाता है। अब मैं वो दिखाता हूँ किस तरह टोपी बॉटम लिया जाता है, वो देखो आप। जैसा देखा आपने 1500 का लेवल उठाया है, तो ये देखो यहाँ पे 1500 का लेवल पे ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये 1500 का लेवल है, तो यहाँ पे ये लेवल पाइप से देखो, ये लेवल का आप दिख रहा होगा आपको यहाँ पर ये लेवल, तो ये लेवल से, अब ये कॉलम से, अब ये ऐसा पूरा घुमाएंगे हर जगह, देखो इस तरह यहाँ पे घुमाएंगे, देखो ये इस तरह इसको पूरा कॉलम टू कॉलम ये लेवल को घुमा के फिर टोपी बॉटम करते। तो ऐसा जैसे कि यहाँ पे देखो, ये दूसरे कॉलम पे लेवल उठा रहे, देखो ये यहाँ पे लेवल घुमाए इसका, ये देखो लेवल पाइप, इसका लेवल बराबर है,
ये इधर मार्किंग भी कर लिए 1500 का, यानी कि फ्लोर से मेरा 1500 का ये मार्किंग है। तो ये 1500 का है जी। तो एक बार टेप से भी दिखाते हो, टेप से क्या फ्लोर बराबर नहीं रहता, जो स्लैब कास्टिंग के वक्त थोड़ा 5-10 mm का ऊपर नीचे हो जाता है, इसलिए लेवल पाइप से लेवल इसका लिया जाता है। तो लेकिन एक क्रॉस चेकिंग के लिए क्या है, टेप से मार्किंग करके दिखाओ नीचे से स्लैब, 1500 का मार्किंग रहेगा, समझाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ। इसमें 1500 आ रहा है देखो, तो ये 1500 आ रहा बराबर है। तो 1500 ही देखो, टेप से भी हमारा स्लैब का 1500 आ रहा है, ये देखो स्लैब से 1500 आ रहा बराबर। तो यहाँ स्लैब से भी 1500 है। तो इस तरह लेवल उठाया जाता है। अभी ये 1500 का मैंने मार्किंग कर दिया, अब यहाँ से टोपी उठाएगा। अभी देखो टोपी किस तरह उठाते हो, वो देखो किस तरह उठाते टोपी बॉटम, जैसे कि मैंने दिखाया 1500 का ये लेवल दिख रहा है, ये 1500 का मार्किंग किया हुआ है, ये देखो ये दिख रहा 1500 का मार्किंग है स्लैब टू 1500। और फिर उसके बाद ये मेरा ये बॉटम आएगा, ये बॉटम जो आएगा ये मेरा बीम जो है 500 का बीम है, इसका डेप जो है 500 का बीम है। तो उसमें से 500 माइनस कर देंगे, जैसे कि मेरा 3.25 स्लैब का हाइट है, तो उसमें से 500 ये माइनस कर देंगे। तो 500 माइनस करने के बाद ये देखो 3250 से मैंने 1500 का लेवल उठाया था, और फिर उसके बाद ये 500 का बीम का डेप्थ है, तो इसको मेरा 3250 का हाइट है, तो 3250 में से 1500 माइनस किए तो 1750 बचा। 1750 में से 500 बॉटम माइन 500 माइनस करने बाद 1250 होगा, तो 1250 होगा वहाँ से, यानी कि वो टोपी का टॉप से लेके ये यहाँ, और ये यहाँ पे टेप लगो, ये देखो यहाँ आपको मिलेगा 1235 कि 1250 आना चाहिए 15 mm का में, क्योंकि वो 15 mm प्लाई का माइनस करके लिया जाता है, जो तो बॉटम लिया जाता है प्लाई, जो बॉटम लगाया जाता है वो 15 mm का प्लाई का थिकनेस पकड़ा जाता है, तो इसलिए 15 mm माइनस करके 1235 लिया, 1235 प्लस 15 तो हो जाएगा 1250। तो इस तरह मेरा क्या हो गया, 3 मीटर 250 का हाइट हो गया। 1500 का मैंने लेवल उठाया था, और उसके बाद जो है 1500 का लेवल उठाया, और ये 1750 का हाइट यहाँ से ऊपर लिया, तो 1750 का हाइट जो जाएगा, फिर उसमें से 500 का डेप्थ बीम का डेप्थ माइनस करना जाएगा, 500 माइनस किया उसको, तो फिर आ जाएगा 1250, 1250 में 15 mm प्लाई का थिकनेस माइनस किया, वहाँ से टॉप से उठाया, और यहाँ पे 1235 का वो हाइट लिया गया, लेवल उठाया। तो इस तरह टोपी बॉटम उठाया जाता है। तो आपने देखा किस तरह उठाया जाता है, ये आपको 1235 दिख रहा है यहाँ पर, ये देखो 1235, और इस तरह ये टोपी बॉटम उठाया, और ये फिर देखो इधर टोपी बॉटम के बाद ये इस तरह बॉटम लगाया जाता है, इतना इस तरह बॉटम लगाया जाता है, देखो बॉटम इस तरह लगाया जाता है। अभी इस तरह बॉटम लगाने के बाद उसका साइड लगाया जाता है, वो साइड जो लगाया जाता है उसका मैं वीडियो अगला वीडियो बना के डालूँगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो ये वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हर फ्रेशर के पास ये वीडियो पहुँचाओ, ताकि उन्हें ये साइड का एक्सपीरियंस मिले, साइड पे किस तरह काम होता है उनको फ़ायदा होगा। तो मेरे चैनल, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, और हर फ्रेशर के पास ये वीडियो पहुँचाओ उनके एक्सपीरियंस।